नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय दुबे। साथी, 11 लोकसभा सीटों पर वोटिंग तो हो गई है, लेकिन अटकलें अभी भी जारी है। और सबसे ज्यादा जो चर्चा है मयंक, वो है सरगुजा सीट की, क्योंकि सरगुजा सीट का अपना एक अतीत है, अपना एक इतिहास है और उसकी एक दमदारी है। आप देखेंगे, चाहे सिंहदेव का नाम आता हो, चाहे रेडुआ का नाम आता हो, तो जहन में सरगुजा भी आता है। वही एक जो वन्य संसाधनों से भरपूर, प्रचुर मात्रा में जहां वन संसाधन हैं, लेकिन आज भी वहां विकास को लेकर बात करें तो खस्ता हाल है। तो उस सीट को लेकर एक जो खाका बनता है, वो बिल्कुल एक अजीब सा बनता है। एक तरह तो सिंहदेव का गढ़ बोलकर हमको लगता है कि वहां तो राजमहल है सरगुजा, मतलब। लेकिन जब आप पहुंचते हैं किसी रोड के जरिए, तब आपको वो खस्ते हाल से भी रूबरू होना पड़ता है। लेकिन अभी है समय चुनाव का, और चुनाव में आप देख रहे हैं कि दो दिग्गज वहाँ मैदान में रहे, जिनका भविष्य तो वहाँ के वोटर्स ने कैद कर दिया है ईवीएम में, लेकिन चर्चा अभी भी जारी है, 4 जून दूर है। शशि सिंह और चिंतामणि महाराज कभी बीजेपी के हुआ करते थे, तो कभी कांग्रेस के हुआ करते थे, एक बार फिर वो बीजेपी के हैं। और बीजेपी में आने के बाद उनको, जब वो विधानसभा चुनाव के दौरान प्रवेश करते हैं, तब लोग पूछते हैं कि आप कैसे, आपको तो विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया। तब उस समय वो दावा करते हैं कि मुझे तो लोकसभा चुनाव में टिकट दिया जाएगा। उनको टिकट हासिल होने के बाद फिर वो लड़ाई लड़ते दिखते हैं, गहिरा गुरु के वंशज हैं, तो उस वहाँ एक अच्छा खासा प्रभाव भी है। उसके बाद रेणुका का नाम आता है, रेणुका विधायक बन चुकी हैं, जो कभी वहाँ से सांसद हुआ करती थी और केंद्रीय मंत्री रही हैं। उनके सामने कौन है? उनके सामने हैं शशि सिंह, और शशि सिंह कांग्रेस से है। और सरगुजा का जो इलाका है विधानसभा चुनाव के दौरान, तो इस बार पूरी बाजी पलट गई और वहाँ बीजेपी ने सभी सीटों पर लगभग जीत हासिल कर ली। लोकसभा चुनाव में भी यहाँ बीजेपी ही सत्ता पर काबिज रही है, बीजेपी के ही सांसद यहाँ रेणुका सिंह यहाँ रही हैं। और एक इस बार आपको क्या लग रहा है, किसका पलड़ा आपको भारी नजर आ रहा है? अगर आपको लगता है कि चिंतामणि ने कमाल कर दिया तो क्यों? अगर आपको लगता है कि शशि सिंह ने कुछ हासिल कर लिया, कुछ कमाल कर दिया, तो क्यों? बिल्कुल अच्छा है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बस्तर और सरगुजा दो जैसे इलाके हैं जिनका जो है हमेशा से वर्चस्व रहा है। बात की जाए सरगुजा की, सरगुजा लोकसभा जो क्षेत्र है वहां पर वैसे तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि भले वहां टीएस सिंहदेव उस क्षेत्र में दबदबा रखते हैं, लेकिन लोकसभा के लिहाज से हमेशा जो वहां पर बीजेपी वहां पर दाव मारती रही है। हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ में पिछले जब 2019 के चुनाव हुए थे, तो छत्तीसगढ़ में 9 सांसद जीत के आते हैं और केवल सरगुजा क्षेत्र की जो सांसद रेणुका सिंह, उनको केंद्र में जगह मिल पाती है। ये बात अलग है कि आज वो उनको राज्य के कैबिनेट में भी जगह नहीं मिल पाई है। एक समय ऐसा लग रहा था कि मुख्यमंत्री की भी दावेदार थी, तो मुख्यमंत्री ना सही, डिप्टी सीएम ना सही, कैबिनेट में भी आज उनको जगह नहीं मिल पाई है। हालांकि एक जगह खाली है, एक सीट खाली है, उसके लिए भी घमासान चल रहा है। उम्मीद है कि अब सरकार जो है नतीजे आने के बाद कुछ कैबिनेट में सफल होंगे, कैबिनेट में कुछ बदलाव होंगे, तो हो सकता है रेणुका सिंह को वो परफॉर्मेंस के आधार पर तय होगा। ये हम नहीं कहते, परफॉर्मेंस के आधार पर बीजेपी इंटरनल रिपोर्ट रख रही है कि उस क्षेत्र में किसका कैसा परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरगुजा में ये बातें लगातार निकल के आ रही है, क्योंकि चिंतामणि महाराज कांग्रेस में थे और कांग्रेस से बीजेपी में आ गए हैं। तो बीजेपी में आने के बाद ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि रेणुका सिंह को अगर राज्य में मंत्री नहीं बनाया गया है तो उनको वापस लोकसभा में लड़ाया जा सकता है, और लोकसभा अगर लड़ती है, केंद्र में सरकार आती है, तो निश्चित तौर पर उनको कैबिनेट में जगह मिल पाएगी। लेकिन उनको टिकट नहीं मिली और कांग्रेस से आए हुए चिंतामणि महाराज को टिकट मिल गई। तो यहाँ पर जो इंटरनल सर्वे ये कह रहा है कि बीजेपी के जो खास जो समर्थक थे, खासकर रेणुका सिंह के गुट के माने जाने वाले लोग, वो लोग काम नहीं किए हैं, वो लोग कहीं भीतरघात तो ना कर दिए हो, इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। बात की जाए जो शशि सिंह की, तो शशि सिंह जो है क्योंकि वो राजघराने से ताल्लुकात रखती है, टीएस सिंहदेव भले चुनाव में सामने तौर पर कुछ पारिवारिक वजहों के कारण नहीं दिखे, लेकिन शशि सिंह के पीछे टीएस सिंहदेव की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। बिल्कुल, क्योंकि शशि सिंह वो चेहरा है, जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब चल रही थी, उस दरमियान हमने देखा है कि फर्स्ट फेज पे अचानक से जब राहुल गांधी के युद्ध के छत्तीसगढ़ से दो युवा चेहरे नजर आते हैं, एक देवेंद्र यादव और दूसरा शशि सिंह, दोनों लोगों को कमोबेश इस बार लोकसभा में कांग्रेस ने टिकट दी है। और सबसे बड़ी बात है कि इनको टिकट राहुल गांधी के कोटे से मिली है। शशि सिंह जो है काफी युवा नेत्री है और टीएस सिंहदेव भी लगातार बात करते दिखे हैं, और तो उन्होंने ये बयान भी दे दिया है सरगुजा लोकसभा के लोगों को
कि आपने शशि सिंह को नहीं चुना तो बहुत बड़ी गलती कर देंगे। यानी शशि सिंह के लिए टीएस सिंहदेव जो है वो पूरी तरह से अपना दाव खेल दिए हैं। सबसे बड़ी बात है लेकिन सरगुजा में कांग्रेस ने पूरी तरह से विश्वास खो दिया है। हमने देखा कि सरगुजा क्षेत्र से कांग्रेस में जिस तरह से दो बड़े नेताओं को मंत्री बनाया गया था, जिसमें अमरजीत भगत जो है अमरजीत भगत को भी बड़े कैबिनेट का पोस्ट दिया गया था और टीएस सिंहदेव, लेकिन और टीएस सिंहदेव भी डिप्टी सीएम और सीएम के विवाद में उलझ कर रह गए और तो उनको भी हारना पड़ गया। और अमरजीत भगत का तो क्या कहे, उनके ऊपर तो ना जाने कितने आरोप लगे और उन विवादों के चलते ही वो चुनाव से हार गए। और सबसे बड़ी बात, हारने के साथ साथ पूरे सरगुजा क्षेत्र में कांग्रेस जो है उनको बुरा हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में बीजेपी की पकड़ वहां बहुत मजबूत है, बसरते बीजेपी के भीतर घात का सामना ना करना पड़ा हो, तो ये एक बड़ा चुनौती वहां पर नजर आ रही है। देखिए एक चीज और हम देख पाते हैं कि सिंहदेव की प्रतिष्ठा का आपने यहां बात की और ठीक है, चुनाव के बाद वो कहते हैं कि वो प्रतिष्ठा दांव पर है और आपने आप गलती करेंगे। छत्तीसगढ़ तक को भी इंटरव्यू देते हैं वो वोटिंग से पहले, और हम देख पाते हैं कि अगर टीएस सिंहदेव की एक किस्म से दूरी रही है, भले वो स्वास्थ्यगत कारणों का हवाला देते हैं लेकिन वो चुनाव प्रचार के दौरान वहाँ नहीं रहे, लेकिन उनका पूरा परिवार वहाँ जूझता रहा और प्रचार प्रसार में शामिल रहा, क्या आपको लगता है कि सिंहदेव वहाँ होते तो वहाँ का बिल्कुल एक अलग तरीके से कांग्रेस के पक्ष में चीज़ें जाती? लेकिन उसमें भी दो पक्ष है, मैं वो भी आपको थोड़ा सा बता दूँ। पहला तो ये कि विधानसभा चुनाव के दौरान सिंहदेव ने प्रचार तो किया लेकिन किसी से ये अपील नहीं की कि ठीक है जो चीज़ पहले हो गया उसको आप छोड़ दीजिए, उस विवाद को छोड़ दीजिए, बल्कि वो ये कहते नजर आए कि पहले जब चुनाव हुआ 2018 में तो मामला बिल्कुल अलग था, अभी मामला बिल्कुल अलग है, तो सरगुजा में पहले जैसी स्थिति नहीं है, बल्कि वो डिमोटिवेट कर रहे थे एक तरीके से। लेकिन इस चुनाव में क्या वो हार का बदला लेंगे? अगर वो यहाँ होते प्रचार के दौरान तो क्या यहाँ की स्थिति कुछ अलग होती? बिल्कुल, टीएस सिंहदेव जो की मौजूदगी एक निश्चित तौर पर हमेशा, खासकर सरगुजा इलाके पे उनकी मौजूदगी हमेशा राजनीतिक प्रभाव रखती है। भले टीएस सिंहदेव चुनाव हार जरूर गए हैं लेकिन उनका एक प्रभाव निश्चित तौर पर उस क्षेत्र में बड़ा प्रभाव बना हुआ है। उनको महाराजा के तौर पर लोग मानते हैं, सबसे बड़ा सरल नेता है वो, इतने बड़े घराने से ताल्लुकात रखने के बावजूद भी बेहद सहज सरल तौर पर लोगों से मिलते जुलते हैं और एक अलग अंदाज पे, चाहे वो महिला हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, हर वर्ग में वो पसंद किए जाते हैं। लेकिन ऐसे कई कारण रहे, जिस तरह की बात आपने कही कि वो एक बार भी डिनाई करते नहीं दिखते हैं कि वो किस कारण से सरकार गई है, तो वो बार बार जो पुरानी चीजें हैं उन चीजों को कहते नजर आते हैं। ये बात हम लगातार देखते हैं कि टीएस सिंहदेव सरकार जाने के पहले की बात हो या सरकार जाने के बाद की बात हो, हमेशा वो पुरानी चीजों को कहीं ना कहीं वो रख ही देते हैं। सरकार में रहते हुए भी हमेशा वो मुख्यमंत्री बनने का जो उनका मन में बात थी उससे वो हमेशा, भले भीतर खाने में क्या बात रही, ढाई साल की बात क्या रही, लेकिन पूरा 5 साल हमने देखा है कि ये विवाद कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ा है। और तो और सत्ता जाने के बाद भी वो इन सारी चीजों को लेकर लगातार कहते दिखते हैं। और तो और उन्होंने इस दरमियान ये भी कह दिया कि उनके खिलाफ 5 साल में साजिश की गई, उनके उनके लिए ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे गए कि वो समय पर उनको ना हेलीकॉप्टर मिल पाता था और तो और जब वो प्राइवेट जो उससे जाते थे हेलीकॉप्टर वगैरह से, उसके बाद उनको प्रोटोकॉल भी नहीं मिल पाता था। यानी कितनी दुखद बात है, एक जो पूर्व डिप्टी सीएम है उसको सरकार जाने के बाद भी इन सारी चीजों को बोलना पड़ रहा है। लेकिन इन सारी चीजों की बातें जो है वो कांग्रेस को फायदा नहीं बल्कि और नुकसान दे सकती है, क्योंकि अब तो सरकार चली गई है लेकिन अब वो सोच रहे होंगे सिंपैथी मिलेगी, सिंपैथी गेन जैसी चीजें होंगी, तो वो सारी चीजें अब और उनके जो खेमे में नुकसान पहुंचा सकती है। उनकी मौजूदगी निश्चित तौर पर कांग्रेस में फायदा दिलाती जरूर, लेकिन जिस तरह से बीच बीच में आकर वो इस तरह के जो बयान देते हैं वो सारी चीजें फायदा वो डैमेज करता है, नुकसान ज्यादा हमने देखा है सरगुजा पे, खासकर तो कांग्रेस को पूरी तरह से बड़ा नुकसान उठाना पड़ गया सरगुजा क्षेत्र में। अगर उनको इस तरह के बयान न रहते, सरगुजा में अगर टीएस सिंहदेव की प्रतिष्ठा बनी रहती तो सरगुजा में अगर उनकी सीट तो कम से कम नहीं जाती। बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है। और अब देखने वाली बात होगी, अब 4 जून होगा तो 4 जून को क्या जनता का फैसला होता है, क्या सिंहदेव अपनी हार का बदला इस चुनाव में ले पाए हैं या नहीं ले पाए हैं, ये उस दिन उजागर हो जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखते रहें छत्तीसगढ़ तक।